गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास आपको एक चैलेंज क्वेश्चन मिला था, आइए हम उसको पहले डिस्कस करते हैं, फिर अपने टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू द कैथोड व्हिच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस टू न्यूट्रलाइज ऑल H+ आयन्स इन द फॉलोइंग सेल। ठीक है, ये डिटेल्स हमें दिया गया है। इसमें वो कहा है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पे है, ठीक है, यानी कि ये एनोड पे होगा। तो चलिए हम रिएक्शन लिख ले, पहले हम क्या लिख ले, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, और ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं। तो बताइए जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, दैट इज कन्वर्टिंग इंटू जिंक आयन इन द फॉर्म ऑफ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि देखिए ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, यानी कि -2 इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन में माइनस टर्म को ना लिख के उस इलेक्ट्रॉन्स को उधर भेज देते हैं, तो वो क्या हो जाता है +2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक सही है, चले ये तो हो गया एनोड हाफ सेल। अब हम लिखेंगे द नेक्स्ट वन इज कैथोड हाफ सेल, जिसको हम रिडक्शन हाफ सेल भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन आयन्स हैं यानी जो H+ एक्वस है, दैट इज कन्वर्टिंग इन टू हाइड्रोजन गैस, होगा ना। अब देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर, 2, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। यहाँ देखिए कितना चार्ज है, टोटल 2+, 2+ का मतलब इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यानी कि देयर विल बी +2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहाँ पे चार्ज जिंक पे 0 था, यहाँ पे +2 है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए पहले से चार्ज था पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज 0 हो गया, यानी यहाँ क्या हो रहा है रिडक्शन। यहाँ तक सही है, अब हम क्या लिख लें यहाँ से, नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। उससे पहले अब हमें बताइए नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज N की वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो इनको ले लीजिए, तो N की वैल्यू तो आपकी आ गई 2। चलिए इसको रख लीजिए, क्या आ जाएगा आपका, जिंक सॉलिड प्लस 2 टाइम्स ऑफ H+ आयन एक्वस, आप इसको लिख लीजिएगा, अच्छे से यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए न्यू पेज पर लिखते, छोड़िए इसको, जिंक सॉलिड प्लस 2 टाइम्स ऑफ H+ एक्वस विल गिव्स अस जिंक आयन Zn2+ इन एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। ये मिलेगा हमें, हमें नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की वैल्यू पता है 2। अब हम रिएक्शन कोशेंट क्यों निकाल ले, पहले देखिए क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इनटू हाइड्रोजन गैस है, तो इसलिए क्या डिफाइन करते हैं, प्रेशर pH2 अपॉन, ये सॉलिड है ना, सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, यानी कि इसका कंसंट्रेशन हमें लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका लिखें, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H+। ठीक है, यहाँ पे ये इसका कोफिशियंट है क्या, हाँ जो कोफिशियंट होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन के पावर में जाता है, इतना तो हमें पता ही है। तो चलिए इनकी डिटेल्स रख लेते हैं, देखिए क्या क्या दिया हमें क्वेश्चन में, कुछ दिया है, हाँ जिंक आयन की मोलैरिटी कंसंट्रेशन दिया 0.1, ठीक है, प्रेशर भी दिया हमें 1, तो चलिए इसकी वैल्यू दिया है 0.1 रख लीजिए, 0.1, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस दिया 1 अपॉन, ये वैल्यू नहीं दिया है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए 0.1 में 1 का मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.1 ही आ जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन रेज टू द पावर -2 हो जाएगा। क्या ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या था, ये +2, नीचे जब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2, कर सकते हैं इतना। चलिए अब क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या कहता है, नन स्टिक इक्वेशन लगा दीजिए, चलिए नन स्टिक इक्वेशन लगा लेते हैं, फिर क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू,
लिख दे। चलिए अब देखिए हमें और क्या क्या दिया हुआ है, ई सेल वगैरह कुछ दिया है। देखिए सॉल्व करने से पहले, हाँ सॉल्व करने से पहले हमें तो अभी वो निकालना होगा ना, ई नॉट सेल। तो देखिए ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं हम, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड निकालते हैं। इसके लिए ध्यान का रखना होता है ये दोनों ही वैल्यू किस में होनी चाहिए, एसआरपी में, हाँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। देखिए हमें जो दिया है वो क्या दिया, जिंक से जिंक आयन, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, एसओपी है एसआरपी, ये तो एसओपी है। चार्ज देखिए यहाँ जीरो था, यहाँ पर प्लस एन, चार्ज बढ़ रहा है यानी कि ये एसओपी है। तो बताइए इसका एसआरपी कितना आएगा, माइनस 0.76 आएगा क्या, हाँ आएगा ना, क्योंकि देखिए एसओपी का निगेटिव ही क्या होता है एसआरपी। और देखिए कुछ दिया है नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो कैथोड, अच्छा कैथोड पे क्या हो रहा होगा, ई नॉट एच प्लस चेंजेस टू एच टू हो रहा होगा रिडक्शन में। अच्छा देखिए जब भी हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका SOP और SRP हमेशा कितना हम लेते हैं, जीरो लेते हैं, याद आया। तो ये तो वैल्यू होगी जीरो, तो लिखिए ई नॉट कैथोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो माइनस ई नॉट एनोड की वैल्यू, बताइए क्या लिखे, 0.76 या माइनस 0.76, हाँ क्या लिखना होगा हमें, माइनस 0.76। अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, जीरो में प्लस करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.76 वोल्ट आ जाएगी। और देखिए हमें क्या दिया है, ई सेल दिया है 0.7 वोल्ट। अब ये डेटा उठा के यहाँ रख लीजिए, ये हमें पता है 0.7 वोल्ट, ये हमें दिया है 0.76 वोल्ट माइनस। अच्छा इसको हम कैलकुलेशन पर्पज से क्या लिख लें, 0.06 लिख लें, अपॉन नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हमने कैलकुलेट किया था कितना आया था, 2 लॉग क्यू। चलिए इसको वहाँ आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे, फिलहाल एक काम करिए हम इसको उड़ा के इधर लेके आएंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, डेट विल बी 0.7 माइनस 0.76, इधर बचेगा माइनस, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 0.03 टाइम्स में लिख लेते हैं, माइनस 0.03 लॉग क्यू की वैल्यू रखते हैं, देखिए कितना आया था, आई थिंक 0.1 इंटू एच प्लस कंसंट्रेशन रेस्ट टू द पावर कितना आया था, माइनस 2 था। चलिए इसको सॉल्व करिए, ये माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस में 0.06, हाँ आ जाएगा माइनस 0.06, ये वैल्यू आएगी माइनस 0.03 लॉग। अच्छा देखिए ध्यान से यहाँ पे इसको ना सॉल्व करते हैं हम लोग, ये देखिए लॉग m इंटू एन है क्या, फॉर्मूला क्या लगा देंगे, लॉग m प्लस लॉग n, यानी कि एक बार हो जाएगा लॉग ऑफ 0.1 प्लस दूसरी बार हो जाएगा लॉग ऑफ एच प्लस रेस्ट टू द पावर माइनस 2। चलिए इसको सॉल्व करते रहेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं इस माइनस वाले पूरे टर्म्स को, चलिए देखिए माइनस से माइनस उड़ा दीजिए, इस टर्म्स को इधर उड़ा के लाइए, ये क्या हो जाएगा 0.06 अपॉन 0.03 हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ 0.03 और इस टर्म्स में कैसा रिलेशन है मल्टीप्लाई का, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए देखिए आ जाएगा 2। चलिए इधर क्या बचा आपका, ये तो खत्म हो गया, लॉग 0.1 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 10 टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, 0.1 को आप क्या लिख सकते हैं 1/10, और 1/10 को क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 1 प्लस, ये देखिए लॉग m के पावर n, इसको क्या लिखते हैं हम n log m, तो देखिए ये पावर आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ h प्लस। अब देखिए ये तो 2 पहले से है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस 1, हमें पता है लॉग 10 के पावर जो भी रहता है वही वैल्यू उसकी आंसर हो जाती है, ये तो हो गया माइनस 1 प्लस माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस। अब क्या करते हैं हम इस माइनस 1 को उठा के इधर ले आएंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा लॉग, और ये यहाँ क्या मिलेगा हमें माइनस 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस।
ये बात यहाँ तक समझ में आ रही है। एक काम करते हैं, माइनस टू को भी उठा के इधर ले आते हैं, तो ये देखिए क्या बन जाएगा, माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल टू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस, ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने आपको डायरेक्ट निकालना सिखाया था, अगर ऐसे केस मिल जाए तो एच प्लस का कंसंट्रेशन क्या लिख दीजिए, टेन टू द पावर, अब देखिए ये कितना है, माइनस थ्री बाई टू है, तो यही वैल्यू किसमें आ जाएगी, टेन टू द पावर माइनस थ्री बाई टू के आ जाती है। ये चीज़ आपको सिखा रखा है हमने, एक बार फिर से आप देख लीजिए चाहे तो। देखिए अगर लॉग ऑफ एच प्लस की वैल्यू फाइव दिया है और आपसे एच प्लस कंसंट्रेशन पूछ लिया जाए, अब सीधे क्या लिखिए, टेन टू द पावर फाइव लिख दीजिए। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया था, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस की वैल्यू दिया था माइनस थ्री बाई टू, तो आप क्या लिख देंगे, एच प्लस कंसंट्रेशन की वैल्यू हो जाएगी टेन टू द पावर माइनस थ्री बाई टू। देखिए जब भी आप एंटी लॉग लेते हैं तब क्या करिए, जो वैल्यू दी गई थी उसी वैल्यू को टेन टू द पावर में लिख लिया करिए। ये देखिए फाइव था तो टेन टू द पावर फाइव लिख लिया आपने, यहाँ देखिए माइनस थ्री बाई टू था तो हम इसको क्या लिख देंगे, टेन टू द पावर माइनस थ्री बाई टू लिख सकते हैं ना। देखिए यही चीज़ हमने पीछे लिखा है, हमें H प्लस कंसंट्रेशन की वैल्यू मिल गई, कितनी मिली है, 10 टू द पावर माइनस थ्री बाई टू, उसको आप अगर अच्छे से लिखना चाहें तो हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस टू इंटू टेन टू द पावर वन बाई टू लिख सकते हैं हम। देखिए क्यों लिख रहे हैं, माइनस टू, देखिए x के पावर m इंटू x के पावर n है, पावर ऐड होंगी, यानी कि माइनस टू प्लस वन बाई टू, इसको सॉल्व करिए एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा माइनस फोर प्लस वन दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। देखिए क्या ये पूरी वैल्यू सॉल्व होने के बाद वापस से ये माइनस थ्री बाई टू के इक्वल ही आ रही है, आ रही है ना, तो ठीक है हम इसको ऐसे रख लेंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो। टेन टू द पावर माइनस टू का मतलब क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टेन टू द पावर टू पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव था तो नीचे लेके आ गया तो क्या बन गया वो पॉजिटिव इंटू, अच्छा पता है पावर अगर वन बाई टू हो तो इसका मतलब होता है अंडर रूट, अंडर रूट पर कितना आ गया टेन। अब इसको पूरा सॉल्व कर दीजिए तो रूट टेन की वैल्यू देखिए थ्री पॉइंट समथिंग के आसपास आएगी, कैलकुलेटर किधर गया, रूट टेन की वैल्यू आएगी 3.16, ये हमने लिख लिया 3.16 अपॉन टेन टू द पावर टू की वैल्यू हो जाएगी 100। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए डिवाइड करने के बाद डेसिमल और इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 0.00316, जिसको हम राउंड अप में लगभग कितना ले लें, 0.003 ले सकते हैं क्या, देखिए हाँ तो ये तो होगी 0.003, क्या क्या निकालना था हमें, देखिए हाँ हमसे पूछा था कि कितना एच प्लस आयन्स चाहिए, तो वो वैल्यू आ गई हमारी 0.003 मोल्स, ये ना चाहिए हमें, ये क्या चाहिए हमें, H प्लस आयन्स। चलिए आंसर एक बार मैच कर लीजिए, नॉन स्टिक क्वेश्चन लगाया गया है, हाँ देखिए नहीं ये नहीं है, देखिए ये चाहिए हमें कितना 0.03 सेम आया है। अब हमें आके क्वेश्चन दे रहा है अगर जितना चाहिए उतना मिला के हम उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी कि H प्लस आयन्स को NaOH मिक्स करके हम न्यूट्रलाइज करें, तो देखिए NaOH को जब आप मिक्स करेंगे तो आपको क्या देगा OH माइनस, और H प्लस आयन्स OH माइनस कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं, यानी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो वो कह रहा है कि कितना हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना पड़ेगा मास में कि पूरा का पूरा जो कैथोड पे एसिडिक कैरेक्टर है वो पूरा न्यूट्रलाइज हो जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं, आपको पता ही एक फॉर्मूला मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तब देखिए मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बात तो आपको इतनी समझ में आ रही है कि देखिए अगर H प्लस आयन्स 10 है ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइज होने के लिए OH माइनस आयन्स कितने चाहिए, इसको वो भी 10 होना चाहिए, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव होना चाहिए ना। अगर इसका कंसंट्रेशन 1 आता तो OH माइनस का भी कंसंट्रेशन कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। अगर इसकी मोलरिटी 5 आती
तो OH माइनस की भी मोलरिटी कितनी आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। तो अभी देखिए हमने जो कैलकुलेट किया है ये किसकी मोलरिटी है, H प्लस की। अब हमें जो OH माइनस चाहिए उसकी भी मोलरिटी इतनी ही होनी चाहिए, तभी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, उससे पहले लिख लेंगे हम मोलरिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए मोलरिटी कितना हमारा आया, 0.03 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं इनटू 1000। अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये आपको पहले से दे रखा है, ध्यान से देखिए, आइए किधर गया, ये देखिए दिया आपको 1 लीटर, 1 लीटर दिया ना। चलिए इसको यूज कर लेते हैं, किसमें किधर गया, तो 1 लीटर को मीटर में बनाएंगे कितना जाएगा, 1000, ये 1000 से 1000 पे चला गया। यहाँ से क्या मिल गया आपको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि मोल्स ऑफ H प्लस आयन्स मिल गए आपको, कितना मोल्स ऑफ H प्लस आयन आया, 0.03 मोल्स। अब आप हमें बताइए मोल्स ऑफ OH माइनस कितने चाहिए, वो भी 0.03 मोल्स। तो देखिए यहाँ पर लिखा है मोल्स ऑफ H प्लस आयन्स, तो आपको जो मिल गया वो ये है, आगे देखिए क्या लिखा गया, टू न्यूट्रलाइज मोल्स ऑफ OH माइनस शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ H प्लस आयन्स, होना चाहिए ना। तब देखिए मोल्स ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H प्लस आयन, तो मोल्स ऑफ H प्लस आयन तो आपको पता है 0.03, तो ये मोल्स ऑफ OH माइनस भी कितने होने चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि आप पहले ये लिखेंगे मोल्स ऑफ OH माइनस शुड बी इक्वल टू 0.003। अब हमें ये बताइए 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमें 1 मोल सोडियम आयन मिलता है और 1 ही मोल हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है, मिलता है ना। तो अगर हमें 0.03 मोल हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए तो उसके लिए हमें कितने मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ेगी, 0.003। उतना ही चाहिए ना, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे 1 मोल होता है, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए अगर यहाँ 2 लिख दें हम तो ये ऐसे बैलेंस करके लिखना पड़ता है हमें, यानी कि जब ये 2 मोल होता है तो हमें 2 मोल हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है, या फिर हम ऐसा भी तो कह सकते हैं अगर हमें 2 मोल हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए तो उसके लिए 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए अभी हमें कितना चाहिए मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, 0.003, तो मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कितने चाहिए, 0.003, तो हमें मिल गया मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना, 0.003। हमसे मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछा था तो क्या करेंगे, मोल्स में मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 140, तो इसमें 40 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, आई थिंक 1.2 ग्राम आ जाएगा। हाँ सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.2 ग्राम। अब ये तो रहा आपका फर्स्ट पार्ट, इसमें एक और क्वेश्चन था, ठीक है क्या है, आफ्टर एडिंग 1.2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑल H प्लस एक्वस विल बी न्यूट्रलाइज्ड ऑफ द कैथोड। तो बताइए उस केस में pH ऑफ कैथोड कितना बन जाएगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल के लिए pH ऑफ कैथोड कितना होता है, 7। अगर आपको देखिए pH पता है, pH गिवन 7, तो बताइए एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना आता है, हाँ 10 to the power, ये जो अगर पॉजिटिव है तो वो निगेटिव बन जाता है 10 to the power -7। तो देखिए एच प्लस आयन्स की वैल्यू, अच्छा यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है इसको सही कर लीजिएगा ना, यह क्या रहेगा -7। तो बस अब उसके बाद क्या करिए, आप इन वैल्यूज को उठा के फिर से नॉन स्टिक वेसल लगा दीजिए, इस सेल इज इक्वल टू इनोड सेल, इनोड सेल की वैल्यू तभी भी वही रहेगी, बदलेगी नहीं, -0.0591/1 है ना, इसको क्या करें 0.06 लिख लीजिए, अपॉन नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज वही 2 है लॉग। फिर देखिए क्यू की वैल्यू वही आएगी, जिंक का कंसंट्रेशन, H2 का प्रेशर और H प्लस का कंसंट्रेशन, ये सब कुछ सेम रहेगा। अब देखिए चेंज कहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा 0.1 × 1 और यहाँ लगा देंगे 10 to the power -7 × 2। उसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 0.76 - 0.03, उसको डिवाइड करने के बाद लॉग, ये वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, 1/10 to the power -13। देखिए कैसे आएगा, क्या था आपका 0.1
अपॉन 10^-14 था। अच्छा 0.1 को हम क्या लिख लें, 1/10 × 10^-14 लिख सकते हैं क्या? अगर हम इसको लिखें तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 1/10^-13 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10^13। तो देखिए ये ऊपर आने के बाद हो जाएगा 10^+13, ये पॉजिटिव 13 रहेगा, ठीक है। ये वैल्यू किस में आएगी आपकी, नेगेटिव में आएगी, यहाँ पे माइनस रहेगा। फिर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जा रही है, 16-9 = 7, 6-3 = 3, हाँ सही है, 0.37 वोल्ट पॉजिटिव आएगा। कर सकते हैं आप ये सिंबल का थोड़ा करेक्शन कर लेंगे ना, हाँ एक जगह मिस्टेक की इस वजह से हर जगह वो करेक्शन करना आपको, कर लेंगे, समझ में आ रहा है। चलिए अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि हम एक टाइप का इलेक्ट्रोड कब पढ़ेंगे, हाँ नॉन्स्ट इक्वेशन कम्प्लीटली यूज करने के बाद। तो अब वो टाइम आ गया है कि हम आपको वो टॉपिक भी बता दें। तो हमारा नेक्स्ट टाइप का जो इलेक्ट्रोड है वो है मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट अनायन इलेक्ट्रोड। नाम थोड़ा बड़ा है, बढ़ा अच्छा, इसको छोटा रखने के लिए आप चाहें तो SSS वर्ड यूज कर सकते हैं, यानी हम इसको मेटल SSS अनायन इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। हाँ एस स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, स्पेरिंगली का मतलब पूरा न, थोड़ा बहुत सॉल्ट क्या होता हो, डिजॉल्व होता हो। चलिए देखिए नाम से पता चल रहा है इसमें क्या रहेगा, एक मेटल, क्या रहेगा एक मेटल, किसके कॉन्टैक्ट में रहेगा, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के, प्लस उसी के साथ साथ और कौन रहेगा, एनायंस। हाँ यानी कि इस बार हमें तीन चीज़ें साथ साथ देखनी होंगी, मेटल, उसका सॉल्ट जो कि स्पेरिंगली सोल्यूबल होना चाहिए, और उसी के साथ साथ उसका एनायन भी होना चाहिए। अगर ऐसी अरेंजमेंट हो गई तो उसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। तो देखिए अरेंजमेंट कैसा बनाएंगे हम, ये मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रोड है, हमने ले लिया सिल्वर का, ठीक है, ये तो हमारा हो गया मेटल। ये देखिए हमारा जो है ये है हमारा सॉल्ट, वो भी कौन सा, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है। तो देखिए ये मेटल किससे कॉन्टैक्ट में, स्पेरिंगली सोल्यूबल के, और देखिए यही मेटल यहाँ खत्म नहीं हुआ है, ये मेटल यहाँ तक है, रेड पेन से देखिए बनाते हैं शायद आपको दिखे, ये इलेक्ट्रोड यहाँ तक आया एकदम। तो देखिए ये मेटल का इलेक्ट्रोड स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के कॉन्टैक्ट में है, और यही मेटल किसके कॉन्टैक्ट में है, अनायंस के कॉन्टैक्ट में भी है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट से जो इलेक्ट्रोड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट अनायन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसमें आपके से रिप्रेजेंटेशन वगैरह देखना होता है, क्योंकि वो जो आपने अभी तक सीखा है उन रिप्रेजेंटेशन से बिल्कुल अलग होता है। अब ये देखिए ये है हमारा सिल्वर का इलेक्ट्रोड, ये जो पेस्ट है वो किसका है, सिल्वर क्लोराइड का। अब देखिए ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसका एनायन, एनायन का मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन, कौन होगा, सिल्वर या क्लोरीन, क्लोरीन होगा ना, तो इसमें देखिए क्लोरीन आयन है, किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में है। तो देखिए ये की इलेक्ट्रोड जो मेटल का है वो सॉल्ट में की कॉन्टैक्ट में भी है, और उसके सॉल्ट के एनायंस के भी कॉन्टैक्ट में है। इस टाइप के अरेंजमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए Ag changes to AgCl and that changes to Cl minus electrode। देखिए क्या है, सिल्वर क्या हमारा मेटल, क्या है मेटल, ये मेटल किसके कॉन्टैक्ट में है, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, इसी मेटल के सॉल्ट के जो कि स्पेरिंगली सोल्यूबल है, फिर वो किसके कॉन्टैक्ट में है, हाँ वो उसी सॉल्ट के एनायंस के कॉन्टैक्ट में भी है। देखिए ये मेटल, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, और ये क्या है इसका एनायंस, कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसको समझते हैं कि ये एक्चुअल है क्या। देखिए यहाँ पे जो मरकरी है, अदर एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, मरकरी, मर्क्यूरियस क्लोराइड एंड क्लोरीन। अब देखिए यहाँ पर Hg changes to Hg2, यहाँ पर देखिए मरकरी पे कोई चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। आप चाहें तो अभी यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखेंगे, अच्छा देख लीजिए साथ में ही, यहाँ पे चार्ज जीरो, यहाँ पे चार्ज कितना आ गया होगा, +2 आ गया होगा ना, ठीक। और ये देखिए
जीरो से प्लस टू में शिफ्ट हुआ तो बताइए यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। चलिए ये तो देखने का तरीका है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। देखिए ये मरकरी किसके कांटेक्ट में, अपने मरकरी के स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट में, और वो किसके कांटेक्ट में भी है, उसी के एनायंस में। ऐसे देखिए लेड, लेड क्लोराइड और क्लोरीन, यानी कि हमेशा ये तीन के पेयर में चलेंगे, लेड, लेड सल्फेट और सल्फेट आयन, सही है। चलिए अब हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन। Ag AgCl changes to Cl minus, ऐसे रख सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट को हमेशा आप बीच में ही रखेंगे, स्पेरिंगली सोलूबल सॉल्ट को हमेशा बीच में रखेंगे। आप Ag और Cl के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो Ag को यहाँ लिख दीजिए, Cl minus को यहाँ पर, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको देखना पड़ेगा, लेकिन ये काम पॉसिबल है, किया जा सकता है। लेकिन आप AgCl को यहाँ या AgCl को यहाँ नहीं रख सकते, उसको हमेशा कहाँ रखेंगे आप, सेंटर में। अब ध्यान से देखिएगा, Ag पे चार्ज जीरो, यहाँ पर Ag पे चार्ज प्लस वन, जीरो से प्लस वन, बताइए क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो बताइए क्या बनाएगा, एनोड बनाएगा, एनोड बनेगा Ag से, हाँ Ag प्लस, और ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैसे लिखेंगे देखिए, E Ag changes to AgCl and that changes to Cl minus, देख सकते हैं। अब तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना रहेगा, तो E not Ag changes to AgCl and that changes to Cl minus। दूसरी तरफ अगर ये अरेंजमेंट आपने उल्टा ऐसे लिखा होता, तो अब देखिए यहाँ पर सिल्वर है किस फॉर्म में, प्लस वन, और यहाँ जो सिल्वर है उसमें कितना है, जीरो। तो देखिए सिल्वर प्लस वन से कहाँ जा रहा है, अब जीरो की तरफ, यानी कि इसका चार्ज बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है ना, तो क्या हो रहा होगा यहाँ पर, रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन। तो देखिए कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, Ag प्लस किस में चेंज करेगा, Ag में, रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, E Cl माइनस चेंजेस टू AgCl एंड दैट चेंजेस टू Ag। इसी तरह SRP कैसे लिख लेंगे, E नॉट Cl माइनस चेंजेस टू AgCl एंड दैट चेंजेस टू Ag। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है, क्योंकि अब तक जो आपने सीखा ये उनसे बिल्कुल ही अलग होता है। अब देखिए इनका रिएक्शन कैसे लिखना होता है, इनका जो हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं वो दो स्टेप में लिखते हैं, कितने स्टेप में, दो स्टेप में। देखिए पहला, AgCl किस में कन्वर्ट होता है, Ag प्लस और Cl माइनस में, इतना तो सबको पता है, पता है ना। अब देखिए ये जो Ag प्लस है, ये फिर से इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, AgCl पहले ब्रेक डाउन होकर Ag प्लस देगा और Cl माइनस, फिर यहाँ जो Ag प्लस आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बनाता है, मेटल का सॉलिड फॉर्म बनाता है। तो देखिए इसका नेट हाफ सेल रिएक्शन, ध्यान रहे हम क्या लिखेंगे, नेट हाफ सेल, क्योंकि इसके हाफ सेल के भी दो रिएक्शन बन गए, पहला और दूसरा। तो देखिए जब हम नेट हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे तो इसको इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए AgCl प्लस, अच्छा ये और ये तो कैंसिल हो गया, अगर आप कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप देखिए कैसे लिखेंगे, लिख के दिखा देते हैं आपको। पहला AgCl changes to Ag plus aqueous and Cl minus in aqueous। फिर दूसरे पार्ट में क्या होता है, इसका जो Ag plus है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, सिल्वर का सॉलिड फॉर्म बना दिया। अब देखिए जब हम इसका नेट हाफ सेल रिएक्शन रखेंगे, इसे नेट हाफ सेल रिएक्शन, नेट हाफ सेल क्यों, क्योंकि ये दोनों ही हाफ सेल हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम नेट निकालें तो देखिए क्या हो जाएगा, AgCl प्लस Ag प्लस बनेगा, गिव्स अस Ag प्लस गिव्स अस Cl माइनस एंड दैट ऑल्सो गिव्स अस Ag सॉलिड, ये तीनों एक तरफ आएंगे। अब ध्यान से देखिए, या तो यहाँ के Ag प्लस इधर लेके जाइए तो माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, या यहाँ के Ag प्लस इधर लेके आइए तो माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, AgCl changes to Cl minus and Ag। देखिए यही होगा, AgCl प्लस एक इलेक्ट्रॉन था आपका, वो इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, Cl माइनस और Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से
इसी तरह से आप इसका दूसरा रिएक्शन भी लिख लेंगे, कौन सा, एनोड का। एनोड में देखिए क्या होगा, बस रिवर्स कर लीजिए, इन टर्म्स को पहले लिख लीजिए, इन टर्म्स को बाद में, यानी क्या बन जाएगा, सी एल माइनस एक्वस प्लस ए जी सॉलिड विल गिव अस ए जी सी एल सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन, और आपके ये दोनों रिएक्शन रेडी। तो बस ये इतना छोटा सा काम हो, आप बस जानते रहिए, वैसे ही आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मोडायनेमिक्स ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। हाँ, जो भी हमारा डैनियल सेल अभी चल रहा था, गैल्वेनिक सेल, उसका थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा हम यूज देखते हैं। उसके लिए फिर से आपको थोड़ा सा कीवर्ड्स पढ़ना होगा, रिवाइज करना, जो पहले से आपको शायद हम बता भी चुके हैं। देखिए पहला क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, पढ़ चुके हैं। दूसरा डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एच डी टी, ये भी कर चुके हैं। आई थिंक फर्स्ट लेक्चर के जो कीवर्ड्स लिखवाए थे उसमें ये सारी चीज़ें पहले से लिखा दी गई थी। अब देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी रिएक्शन के लिए हम जी नहीं डिफाइन करते, हम क्या डिफाइन करते हैं, डेल्टा जी। हाँ, उसकी गिब्स फ्री एनर्जी डिफाइन नहीं करते हम, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा जी को जगह पर क्या लिख देंगे हम, डेल्टा आर जी। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑफ द रिएक्शन। उसी तरह हम किसी भी रिएक्शन की एंट्रोपी डिफाइन नहीं करते, हम क्या डिफाइन करते हैं, चेंज इन एंट्रोपी। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एस, क्योंकि रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर एस लिख सकते हैं क्या। देखिए जी को क्या लिख दें, डेल्टा आर जी, और एस को क्या लिख लें हम, डेल्टा आर एस। अब क्या करिए आप, इक्वेशन नंबर टू में, हाँ इक्वेशन नंबर टू को आप यूज करके वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। क्या था इक्वेशन नंबर टू आपका, क्या था ना, डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। तो डी तो वैसे रहने दीजिए, जी की जगह पर आप क्या लिखेंगे आप, डेल्टा आर जी, वी डी पी वैसे ही रहेगा, एस की जगह पर क्या लिखेंगे आप, डेल्टा आर एस डी टी, क्योंकि अभी हमने देखा जी को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा आर जी, और एस को क्या लिखेंगे, डेल्टा आर एस। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए, फिर भी देखिए, जब भी आप डेरिवेशन डिफ्रेंशिएशन करते हैं, मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो इसकी वैल्यू आती है थ्री एक्स स्क्वायर, ये पावर पहले चला जाता है, और इसका टोटल पावर क्या होती है, एक से डिक्रीज कर जाती है, यानी कि थ्री था तो अब क्या बन जाएगा, टू। लेकिन अगर आप डिफ्रेंशिएशन किसी कॉन्स्टेंट नंबर का करते हैं, मान लीजिए फाइव का, तो इसका हमेशा आंसर जीरो आता है। अगर आप d बाई डी एक्स मान लीजिए किसी का करते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 100 ले लिया या 1000 ले लिया आपने, उसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा कितना आता है, जीरो। यानी कि जब भी किसी भी कॉन्स्टेंट नंबर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो। अब देखिए हमारे पास जो एक टर्म है वी डी पी, उसको हम रफ में आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। वी डी पी क्या होता है, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। अब बताइए अगर हम प्रेशर कांस्टेंट कर दें तो प्रेशर चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो डीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। तो अगर डीपी की वैल्यू जीरो रख दें तो वी इंटू जीरो की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। देखिए एट कांस्टेंट प्रेशर डीपी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो अब देखिए क्या लिख सकते हैं हम, डी डेल्टा आर जी इज इक्वल टू, ये तो पूरा ये जीरो हो गया, तो जीरो इंटू वी भी जीरो हो गया, यानी सब खत्म हो गया, क्या बच्चा, माइनस डेल्टा आर एस डी टी बचेगा। आप यहाँ से डेल्टा आर एस का फॉर्मूला बना सकते हैं, किसका, माइनस डेल्टा आर एस का। उसके लिए क्या करें आप, इस डी टी वाले टर्म्स को इधर उठा के ले आइए, तो क्या बन जाएगा, डी डेल्टा आर जी अपॉन डी टी, कर सकते हैं इतना। चलिए ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थ्री। अब आप क्या करिए, यूजिंग इक्वेशन फोर्थ इन द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ थर्ड, ठीक है। अब हम इक्वेशन फोर्थ लिख लेते हैं, डेल्टा आर जी का इक्वेशन, ये इक्वेशन तो आपको पता ही है, हमने डिराइव भी किया था, माइनस एन एफ ई सेल, ये क्या होता है, यूजफुल वर्क डन या फिर मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम, हमेशा निगेटिव होता है, यानी कि वैल्यू कितनी थी, माइनस एन एफ इंटू ई सेल। अब क्या करें, इस वैल्यू को उठा के आप कहाँ रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, तो देखिए क्या बन जाएगा,
पहले से मेरे पास क्या है, माइनस डेल्टा आर एस इज इक्वल टू डी डेल्टा आर जी है ना। लिखिए डी डेल्टा आर जी की वैल्यू अभी हमने देखा हमें क्या रखना है, माइनस एन एफ इन टू ई सेल रखना है अपॉन डी टी। ठीक है आ गया, चलिए तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा आर एस इज इक्वल टू। अब देखिए ध्यान से, जब भी हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं इस डिफ्रेंशिएशन के साथ साथ एक चीज और आप देख लीजिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ मान लीजिए डी बाई डी पी ऑफ आपको पी फोर लिखना है तो इसका हो जाता है फोर पी क्यू। अगर आपको यही डिफ्रेंशिएशन नंबर और वेरिएबल दोनों एक साथ उनका प्रोडक्ट दिया गया, जैसे मान लीजिए फाइव पी टू द पावर फोर दिया है, तो आप क्या करते हैं पहले आप इस कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देंगे। ध्यान रहे सिर्फ अगर कॉन्स्टेंट होता तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती, क्योंकि कॉन्स्टेंट के साथ वेरिएबल भी है, तो पहले आप कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दीजिए फिर वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करिए, यानी कि कॉन्स्टेंट को आप अलग कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा इसमें एन और एफ तो कॉन्स्टेंट है, एन क्या है नंबर ऑफ नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, एफ क्या है फैराडे, ये तो दोनों कॉन्स्टेंट है, इनको बाहर निकाल दीजिए तो क्या हो गया माइनस एन एफ बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा डी ई सेल अपॉन डी टी। अच्छा इस माइनस को उड़ा दीजिए, यहाँ से क्या मिल जाएगा डेल्टा आर एस की वैल्यू एन एफ ई सेल अपॉन डी टी। आइए देखिए नेक्स्ट पेज पे मिलेगा, देखिए डेल्टा आर एस की वैल्यू मिलेगी हमें एन एफ डी ई सेल अपॉन डी टी। अब ये जो बन रहा है ना डी बाई डी टी ऑफ ई सेल, हाँ इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशियंट, क्या बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशियंट। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं डेल्टा आर एस इक्वल टू एन एफ इन टू, क्योंकि ये टेम्परेचर कोफिशियंट है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट टेम्परेचर कोफिशियंट भी लिख सकते हैं। क्या होता है देखिए इट एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ ई एम एफ विथ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कोफिशियंट हमें ये बताता है कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने पर जो ई एम एफ ऑफ द सेल है वो कितना चेंज होगा ना, वो किस ऑर्डर में चेंज होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा उसके टेम्परेचर कोफिशियंट पे, वो वैल्यू कितनी आती है डी ई सेल बाई डी टी के इक्वल आती है। अब देखिए अब दिया इफ द टेम्परेचर कोफिशियंट इज पॉजिटिव, दिया अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो बताइए क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ई एम एफ ऑफ द सेल ऑल्सो इंक्रीजेस। अब ध्यान से देखिएगा इसको आपको रखना है हमेशा डी ई सेल अपॉन डी टी की वैल्यू मोर देन जीरो, तभी पॉजिटिव रहेगा यानी जीरो से बड़ा रहेगा। अब देखिए तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर आपको ये वैल्यू बढ़ानी है ठीक है तो बताइए ये वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी घटने लगेगी, तो क्या घट के वो जीरो से छोटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी। अगर आपको ये वैल्यू हमेशा ये टोटल वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ा रखना है तो अगर ये वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या ये वैल्यू भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा अगर ये 5 है ये भी 5 है 1 हो गया ना, हाँ जीरो से बड़ा है। अगर आप ये वैल्यू बढ़ा के कितना कर दिए, मान लीजिए कर दिया आपने 100 ठीक है, तो ये वैल्यू बढ़ाएंगे तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो बढ़ रही होगी घट रही होगी, घट जाएगी क्योंकि ये तो नीचे से है। अगर ये वैल्यू आपने बढ़ाया तो ये वैल्यू भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, या फिर अगर ये वैल्यू नेगेटिव किया आपने तो ये वैल्यू भी आपको नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये दोनों नेगेटिव रहेंगे तो अब नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर क्या हो जाएगा फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहना चाहिए, सही है। यानी कि जब आप इसको बढ़ाएंगे तो आपको इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, सेम चीज़ अगर आप एक को घटाएंगे तो दूसरे वाले को भी घटाना पड़ेगा। अब दूसरा केस, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है यानी लेस देन जीरो है तब ये वैल्यू अगर आप बढ़ाएंगे तो बताइए ये वैल्यू क्या होगी घटती जाएगी, हाँ एक पॉजिटिव रखेंगे तो दूसरा क्या रखना पड़ेगा आपको नेगेटिव, या फिर अगर ये पॉजिटिव करेंगे तो ये इसको क्या रखना होगा नेगेटिव। देखिए ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, अगर पॉजिटिव केस है तो देखिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे
आपको ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, अगर निगेटिव दिया है तब देखिए, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ईएमएफ ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये एक छोटा सा कंडीशन है, आपको उसको एक्सप्लेन करने आना चाहिए। चलिए, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, होमवर्क, आप इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पहले इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ये चार ऑप्शन दिए गए, इसी चारों ऑप्शन में से आपको कोई ना कोई एक आंसर होगा, ठीक है। और ये तीनों आंसर आपको दिए गए इस क्वेश्चन के, तो आप एक बार ट्राई करिएगा, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। इधर भी कुछ है क्या? सेकेंड मेथड। अच्छा, अभी जो हमने डेरिवेशन किया था, अगर आप चाहें तो उसको एक और तरीके से डिराइव कर सकते हैं। बस क्या करिए, आप ये जो रिलेशन होता है ना, इस रिलेशन को क्या करिए, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, एज्यूमिंग चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच एज कॉन्स्टेंट। तो देखिए, जैसे ही आपने डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लगाया, क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा जी, इधर हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा एच माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी डेल्टा एस। इसमें एक चीज़ रखा हुआ है कि जो चेंज इन एंथैल्पी है, इसको आपको कॉन्स्टेंट मानना है। अगर ये वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। आपको ये चीज़ बड़ी ध्यान से समझना होगा ना, आपको कई बार ये चीज़ कन्फ्यूजन हो सकती है। सर, अभी आप कहे थे कि अगर 5 × x³ है तो उसमें से इस कॉन्स्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि अगर ये 5 है तो आप इसको जीरो कर दें। अब ध्यान से समझिएगा, दोनों केस में क्या है, यहाँ सिर्फ कॉन्स्टेंट नहीं है, कॉन्स्टेंट के साथ कोई ना कोई वेरिएबल है, ठीक है। ये x, ये भी x है। तो देखिए, इनको तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर कोई भी नहीं है, आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते। अगर इसके साथ भी कोई वेरिएबल होता तब तो आप इसको बाहर निकाल देते, अगर वेरिएबल नहीं है तो ये बाहर नहीं जाएगा और उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। यही चीज़ है। देखिए, यहाँ पर डेल्टा एच क्या हमारा कॉन्स्टेंट है, पूरा टर्म ही कॉन्स्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो हम इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे और वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। इसमें देखिए, ये जो चेंज इन एंट्रोपी है डेल्टा एस, ये क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे। यहाँ क्या बचेगा, डी बाई डी टी इंटू टी। अब ध्यान से देखिए, तो ये भी डी टी, ये भी डी टी, ये क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा डी डेल्टा जी, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आप चाहें तो ये वैल्यू भी, रिलेशन भी यूज कर लीजिए। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या था, माइनस एन एफ इंटू ई सेल, तो यहाँ पर हम रख देंगे माइनस एन एफ इंटू ई सेल। फिर उसमें देखिए, माइनस एन एफ कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, डी ई सेल अपॉन डी टी। ये क्या है, टेम्परेचर कोफिशियंट। इधर देखिए क्या बच्चा आपका, माइनस डेल्टा एस बच्चा, क्यों, क्योंकि ये भी डी टी था, ये भी डी टी, ये तो कैंसिल हो गया वन टाइम में। यहाँ क्या बच्चा आपका, माइनस डेल्टा एस, और इधर क्या बच्चा था, माइनस एन एफ, तो ये माइनस से माइनस भी उड़ा दिए। देखिए क्या फिर से यही फॉर्मूला बन गया क्या, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ इंटू डी ई बाई डी टी। ये क्या हमारा, टेम्परेचर कोफिशियंट इंटू एन एफ। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं, आप कैसे भी करिए, आंसर तो एक ही आना है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।